खाली गाइस एक ही प्रॉब्लम हो रही है ये गाड़ी में, वो है ये इसका हॉर्न बटन। दो सौ रख के भी कुछ फायदा नहीं जब तुमको गैप अच्छे से मारने ना आता हो तो। तो गाइस अपनी पब्लिक आ गई, जितने लोग आने वाले थे सब आ गए, ये भी आ गया, क्या होता है उसे कैसा भाई, और ये बस मजे में, ये अपना एमटी वाला है, लोग गए इससे मिलने बट ये मिला नहीं, अब आ गया ये खुद ही, चलो ठीक है। और क्या बोलते भाई, आओ आओ सेठ आओ, ये सब सेठ लोग है, ये लोग सब लंबी कहानी है, बड़ी कहानी है। और अमन भाई तुम क्या हो यार, तुम यार तुम्हारे बिगैर तो ब्लॉग ही नहीं होएगा अपना। तो आज कुछ ये सीन है भाई, तुम लोग सब अंदर आ जाओ यार, ये लोग नहीं देखेंगे, वो ऐसा हिलते हुए आएगा कोई तो गाड़ी पे और सबको हिला के चले जाएगा इसी बात। तो आज का सीन कुछ ये, पब्लिक के अपने पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, हम लोग ने सब भगाए, आप लोग ने देखा रहेगा, और जो भी कुछ मैंने शूट किया है अपने GoPro में वो सब आप लोग को देखने मिलेगा। तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज एक नई गाड़ी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, वो है ये MT15, जो नया वाला एडिशन है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन, गोल्ड एनोडाइज सस्पेंशन है उसमें। अब वो किसके मेरे को नहीं मालूम, बाइब्री की ब्रेक्स है, 150cc में सबसे बेस्ट इंजन है 155cc का, और एकदम छोटा है, कॉम्पैक्ट है। बाकी बात करते हैं इसके ऊपर बैठ के, और थोड़ा बहुत रिव्यू लेंगे इसके ओनर से भी, एक राउंड मार के आते हैं फिर करते बाकी की बात। बाय। तो पब्लिक अब करेंगे इस पर रिव्यू इसका फटाफट। ये 2023 वाली है, और बाप रे बाप, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है इसका। बाकी सब स्पेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि डिक्टो R15 है ये, बस नेकेड वर्जन। वो स्मूथनेस भाई, यामा स्मूथनेस बोले तो एक नंबर। हाँ तो पब्लिक अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, जो है लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक SOHC। SOHC का मतलब है सिंगल ओवरहेड कैम। अब और एक बार आप लोग को बता देता हूँ, इंजन डिस्प्लेसमेंट है 155cc का, मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की, वो भी 10,000 RPM पर, और इसका मैक्स टॉर्क है 14.1 Nm न्यूटन मीटर, जो कि 7,500 RPM पे आ जाता है। ये एमिशंस में BS6 है, उतनी पावरफुल ये दिखती नहीं है लेकिन है, अच्छा खासा पावर इसमें। VVA किक होता है 7,000 RPM के बाद। अभी ऊपर कैमरा है, वो कैमरा क्रॉस करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि VVA किक इन होने के बाद में क्या। ये देखो स्पीड कैमरा है ना ऊपर, इसके लिए मैं इसको 70 टच नहीं करा रहा हूँ। ओहो भाई, अच्छा पुल हो रही है यार, ये तो सही है। माइलेज वाइज भी एक नंबर है गाइस ये गाड़ी। यहाँ से लेंगे यूटर्न, ये देख रहे हो कितना छोटा सा इसका वो है। पिकअप तो क्लास पिकअप है, 150 cc होने के बाद भी अच्छा पुल करती है ये गाड़ी।
अभी मैं आपको ना इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर का ना टॉप स्पीड दिखाता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी भाई आफत है, ये आफत। जिस हिसाब से ये चल रही है ना, मतलब इसका जो ये जो पिकअप ले रही है, क्या एंट्री मारी भाई आपने। अब करते हैं गाइस यहाँ से इसका फर्स्ट टू फोर्थ गियर टॉप स्पीड चेक, देखते हैं फर्स्ट गियर में कितना जाती है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, अच्छा है इसका, सब कुछ अच्छा है, चलने में एक नंबर है, बड़ी मज़ेदार चलती है। 6 स्पीड गेयरबॉक्स है इसका, और क्या कंट्रोल है भाई। कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कम चली अभी तक। अब मैं मिलता हूँ आपको फ्रंट कैमरे में। अभी तक 1000 भी टच नहीं किया अभी तक इसने। माइलेज 55 का है, अच्छा खासा फ्यूल टैंक है, दिखने में अच्छी है। और बाकी क्या बताऊँ इसका, थोड़े सिनेमैटिक्स देखो जब तक आप इसके। मीटर है गाइस इसका छोटा सा, इसमें 7000 RPM के बाद में ये गाड़ी VVA किकिंग करती है। फर्स्ट गियर पे रखा हूँ अभी, और 753 किलोमीटर टोटल हो चुके। उसके बाद में ये छोटा सा फ्यूल टैंक है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। और उसके बाद में बहुत छोटा सा चेसी है, बहुत छोटी सी गाड़ी है। पीछे का टेल लाइट इंडिकेटर सब कुछ है, टेल लाइट खाली LED है, इंडिकेटर इसके वही हैलोजन वाले छोटे वाले बल्ब वाले। और उसके बाद सेम टू सेम R15 जैसा साइलेंसर है इसको, वो एल्यूमिनियम स्विंगम है, पहले बॉक्स टाइप स्विंगम आता था। और ये रहे इसका मेन हाईलाइट, गोल्ड एनोडाइज अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि इसकी हैंडलिंग एक नंबर। और ऊपर से ये छोटा छोटा DRLs है, ये भी बहुत क्लास है दिखने में। देखो क्या हार्ड दिखती है, पीछे अपनी गाड़ी भी है, लेकिन फोकस इस पर करना है अपने को। उसके बाद में इसके नीचे ये इसका प्रोजेक्टर, जो कि सबसे अच्छा लाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसको इन लोग ने वर्जन 4 में भी डाल दिया है, और वर्जन 4 R15M में भी डाल दिया है, ये सेम सिंगल वाला प्रोजेक्टर। ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो अपनी गाड़ी की बड़ाई बंद करते हैं और फिर से चलते हैं, और थोड़ा बहुत और राइड करते हैं, इसको लेके चलते हैं बैंड स्टैंड। चलो तो पब्लिक अपनी सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं आगे अपने से।
200 रख के भी कुछ फायदा नहीं जब तुमको गैप अच्छे से मारने ना आता हो तो। बाकी चलने में तो एक नंबर है, बस ये बात है कि तुम लोग 200 को नहीं छू सकते। अपनी गाड़ी क्या दिखती है यार, कहीं से भी देखो उसको एक नंबर ही है वो। खाली गाइस एक ही प्रॉब्लम हो रही है ये गाड़ी में, वो है ये इसका हॉर्न बटन बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये जिस जगह पे हॉर्न होना चाहिए था उस जगह पे इंडिकेटर है, और जिस जगह पे इंडिकेटर होना चाहिए था उस जगह पे हॉर्न है। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है इसको मैनूवर करने में, क्योंकि अचानक में अपन किसी को हॉर्न मारना है तो मैं नहीं मार पाऊँगा। ये रे हुसैन की आरएस, इसने मफलर निकाल दिया इसके लिए इसकी गाड़ी ऐसी आवाज़ कर रही है। तो गाइस घूमते फिरते फिर से हम लोग सोचे यहाँ तक आ ही गए तो माउंट मैरी भी आके ही चले जाते, मतलब ये रास्ते से ही जाते, क्योंकि आज संडे है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते, तो हमने सोचा हम भी क्यों नहीं। सामने देखो गाइस क्या मस्त व्यू है। GoPro है ना मेरा चालू है। यही है MT का ओनर, यही है। राइट राइट गाइस, देखते देखते हम लोग पहुंच गए बैंड स्टैंड। अब यहां से जाएंगे घर, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।